आईपीएल प्रीमियर लीग में जब सनराइज हैदराबाद के खिलाफ मैच में एमएस धोनी खेलने के लिए उतरे थे तो वो रैना से एक कदम आगे निकल गए थे। ये वाकया ज्यादा पुराना नहीं, पिछले हफ्ते का ही था। ये धोनी का 194वां मैच था। रैना ने अब तक 193 मैच खेले थे और फिलहाल लग नहीं रहा था कि वो यूएई में चल रही इस लीग में 13वें डिसीजन का हिस्सा बन पाएंगे, इसलिए धोनी की गिनती बढ़ती जाएगी। रैना एक रुके हुए रेफरेंस की तरह याद किए जाएंगे। रैना लीग के शुरू होने से पहले ही अपनी टीम सीएसके को छोड़कर भारत लौट आए थे। उनके लौटने को लेकर कई बातें, कई थ्योरी चली। धोनी और टीम मैनेजमेंट ने उनकी अनबन से लेकर पंजाब में उनके परिजनों को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई। वापसी की वजह भी बताई गई। इन सब के बीच सीएसके रैना की गैर मौजूदगी में आईपीएल खेलने उतरी। ये टीम फैंस के लिए कहीं कुछ कम है के एहसास से भरा मौका था। जैसे धोनी के बिना सीएसके की कल्पना अधूरी है, रैना के बिना टीम का पीला रंग खिल नहीं रहा था। टीम को पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली, उसके बाद हार का सिलसिला शुरू हो गया। सनराइज हैदराबाद ने 2 अक्टूबर को धोनी की कप्तानी वाली सीएसके को हराकर सीएसके की हार की हैट्रिक बनवा दी। इसके बाद सीएसके की टीम वापस आई और उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब को हरा दिया। खुद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद आईपीएल खेल रहे धोनी को अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार रैना के बगैर खेलना था। ये उनके लिए कतई आसान नहीं रहा होगा, पर वो इतने प्रोफेशनल इमोशंस को काबू में रखकर खेलने वाले प्लेयर हैं कि उन्होंने मैदान पर भरसक जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें आखिरकार खल क्या रहा है। लेकिन केकेआर के खिलाफ मैच में जब पूरी टीम को रैना की कमी खली तो धोनी का चेहरा साफ देखा जा सकता था कि एमएस धोनी यहां पर काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। वॉटसन के अच्छे स्टार्ट और राइडू की अच्छी पारी की बदौलत केदार जाधव जैसे कुछ खिलाड़ी इस टीम में हैं जो रैना की कमी को अभी भी एहसास करवा रहे हैं। केदार जाधव आखिरकार टीम में क्यों हैं, ये बात खुद धोनी बता सकते हैं या फिर सीएसके का टीम मैनेजमेंट। लेकिन एक बात तो तय है कि मैच के बाद धोनी को रैना की याद जरूर आई होगी। सुरेश रैना ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में सीएसके को कई बार मुकाबले जिताए हैं, और आज का मुकाबला तो सीएसके एक तरीके से केकेआर को प्लेट में देके आई और इसी वजह से जीता हुआ मैच सीएसके की टीम हारी है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुरेश रैना के ना रहने से यहाँ पर सीएसके को बड़ा नुकसान हुआ है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।